क्वेश्चन नंबर 5, आरके इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज इन टेक्सटाइल बिजनेस, इट्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर गिवन बिलो। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पीबीआईटी दिया हुआ है और पीबीटी भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अलग से दिए हुए हैं, टैक्स रेट दिया हुआ है 30% और साथ ही साथ अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दैट इज पैट अलग से कैलकुलेट करके दिया है, बैलेंस शीट दी है जिसमें इक्विटी शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक लोन दिए हुए हैं क्रेडिटर्स के साथ, असेट साइड में ढेर सारी असेट्स हैं जिसमें कुछ फिक्स्ड असेट है और कुछ करंट असेट्स हैं। देन थर्ड पॉइंट दिया है द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज WACC परसेंटेज दिए हैं 15%। और फोर्थ पॉइंट में हमें बोला गया है द कंपनी इज लिस्टेड ऑन BSE एंड हैज अ PE रेशियो ऑफ 6 times, PE रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो, राइट। तो ये प्राइस अर्निंग रेशियो अगर 6 times है तो उसके बेसिस पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ द फर्म, EVA एंड MVA। अब EVA के लिए जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में सीखा है, NOPAT माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिटर्न ऑन असेट्स के लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला सीखा है, दैट इज प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट इंटू 100। मार्केट वैल्यू एडेड जो हम लोगों को आज सीखना है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट वर्थ ऑफ द फर्म। अब मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है और नेट वर्थ क्या होती है? नेट वर्थ हम लोग सब जानते हैं, जो ओनर्स इक्विटी होती है, प्रोप्राइटर्स फंड होता है जिसमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं माइनस फिक्टिशियस असेट्स, उसे हम लोग नेट वर्थ कहते हैं। और अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए फॉर्मूला है MPS इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज MPS इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब MPS मतलब क्या? मार्केट प्राइस पर शेयर हमें कैलकुलेट करनी होगी। ये मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। गिवन क्वेश्चन में अगर मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग PE रेशियो को यूज करके मार्केट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला बनेगा EPS इंटू PE रेशियो या फिर PE मल्टीपल जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। ये PE रेशियो क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो, ओके। अब ये गिवन क्वेश्चन में PE रेशियो 6% दिया हुआ है, EPS हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, जिसके बेसिस पे हमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट जो है वो पहला पॉइंट है हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने का, राइट। वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के लिए यहां पर अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू MPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो MPS कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में EPS जरूरी होगा, राइट, क्योंकि नीचे मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करनी है। अगर यहां कंटिन्यू हम लोग करते हैं तो MPS तो पता नहीं है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें पता है, राइट। तो यहां पर MPS हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा कैलकुलेट करने के लिए EPS, पहले पॉइंट में ही सब पॉइंट EPS कैलकुलेशन, EPS की फॉर्मूला क्या है? EPS इज इक्वल टू क्या होता है? EPS का फॉर्मूला प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर, राइट, पैट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, वेरी गुड, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब अभी तक तो हम लोगों ने गिवन क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी वैल्यूज यूज नहीं की है, अब हम लोग पहली वैल्यू यहां पर यूज करने वाले हैं, पैट। पैट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कहां से पता चलेगा? तो जो इनकम स्टेटमेंट हमारे पास में कैलकुलेटेड है, ये इनकम स्टेटमेंट में सबसे लास्ट पॉइंट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, और कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, इसके लिए यही जो 2086 की वैल्यू दी हुई है, यही 2086 हमारे लिए बन जाएगी पैट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स।
2086 lakhs. अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कहां से मिलेंगे? 400 लाख अपॉन 10, 400 लाख अपॉन 10 दैट इज 40 लाख हमारे लिए क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सिंपल कैलकुलेशन, 400 लाख टोटल वैल्यू इक्विटी शेयर्स की, कैपिटल की वैल्यू है, और पेड अप वैल्यू 10 रुपीज ईच पर शेयर है. डिवाइड करके हम लोगों को वैल्यू मिली 40 लाख पर शेयर. सो 40 लाख नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. इस बेसिस पे जो ईपीएस कैलकुलेट होगा दैट इज 2086 अपॉन 40, तो आंसर आएगा 52.15 पर शेयर, 52.15 पर शेयर. ये आ गया हमारा ईपीएस. ईपीएस को यूज करके हम लोग एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं, और एमपीएस का फॉर्मूला यहां पर ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है. एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? EPS इंटू PE रेशियो. अब EPS जो हमारे पास में अवेलेबल है वो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, 52.15 इंटू PE रेशियो दैट इज PE मल्टीपल. क्वेश्चन में दिया था 6 times 6. सिंपल कैलकुलेशन करके 52.15 इंटू 6 दैट इज 312.90. राइट, ये हमारे लिए क्या आ गए? मार्केट प्राइस पर शेयर, पर शेयर 312.9. इस 312.90 को हम लोग वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं. यहां एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अब MPS into number of equity shares, number of equity shares हम लोगों को already पता है, MPS अभी हम लोगों ने calculate किया है, 312.9 into 40 lakhs, जो value मिलेगी वो value होगी, simple calculations, 312.9 into 40, 12516, अब ये value हमारी क्या है? लैक्स में है, क्योंकि क्वेश्चन में सारी फिगर जो दी है वो सारी फिगर हमें लैक्स में दी हुई है. पहला पॉइंट जो था रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में क्या पूछा गया है? तो सेकेंड पॉइंट है हमारा ईवीए. EVA का फॉर्मूला, EVA का फॉर्मूला है NOPAT माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड. अब यहां पर सवाल आता है कि NOPAT किस तरह से कंसीडर करें, और NOPAT कंसीडर करते वक्त हम लोगों को कुछ टैक्स के लिए या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कुछ परसेंटेज है उसे किस तरह से यूज करें. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहां से मिलेगी? चलो आप लोग बताओ तो जरा. तो यहां पर पहले कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ेगा NOPAT का, राइट. ये पहले कैलकुलेशन के लिए यहां पर ईवीए के लिए वैल्यूज छोड़ दी. देन नेक्स्ट आंसर आता है NOPAT के लिए. NOPAT कैलकुलेट करते वक्त नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है, राइट. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसके लिए जो वैल्यूज होंगी या फिगर्स होंगी वो क्या होगी? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज पीबीआईटी. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस टैक्स परसेंटेज, लेस टैक्स ओनली. अब यहां पर प्रॉफिट बिफोर एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स कहां पर है हमारे पास में क्वेश्चन में? यहां कितना है? 3000, राइट. 3000 आंसर 3000 लेस 30% टैक्स के, 30% ऑफ व्हाट? 30% ऑफ 3000. ये हमारी टैक्स की फिगर जो है वो हम लोग यहां से माइनस कर देंगे. अब
जो टैक्स कैलकुलेटेड था, ये टैक्स पहले हम लोगों ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट लेस करने के बाद चार्ज किया था, जो आना चाहिए था 894, लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है नोपैट कैलकुलेट करते वक्त जो टैक्स कैलकुलेट करना है वहाँ पे पीबीआईटी का टैक्स कैलकुलेट करना है, राइट। टैक्स सॉरी, तो 3000 माइनस 900, 3000 माइनस 900 जो फिगर आएगी नोपैट की वो होगी 2100 लाख। ये आ गया नोपैट। सेकेंड स्टेप आएगा जो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये राइट WACC हमें कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करते वक्त सिंपल तरीका, जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, अगर हम लोग फॉर्मूलाज में देखें तो कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से मिलेगा, तो असेट साइड में से भी कैपिटल एम्प्लॉयड मिल सकता है और लाइबिलिटी साइड में से भी कैपिटल एम्प्लॉयड मिल सकता है। ईजी रहेगा कि हम लोग लाइबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोगों ने सीखा है किस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करते हैं, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस बोरोड फंड्स लेस फिक्टिशियस असेट्स, मतलब ओन फंड्स प्लस बोरोड फंड्स इन शॉर्ट। तो ओन फंड्स और बोरोड फंड्स को अगर कंसिडर करें तो इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस और यहां पर बैंक लोन, ये तीनों भी हमारे पास में फॉर्मूला में यूज हो सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल फॉर्मूला जो यहां पे था, ओन फंड प्लस बोरोड फंड, ये हमारा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं, ओन फंड में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस 10% बैंक लोन, ये तीनों फिगर्स हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए मिलने वाली है। इंडिविजुअली अगर हम लोग वैल्यूज यहां पर पुट अप करते हैं तो वैल्यूज है 400 प्लस 300 प्लस 200, टोटल आती है 900 लाख। ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सवाल आता है हमारे एक्चुअल जो ईवीए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यूज को पुट अप करना, इन वैल्यूज को पुट अप करना। नोपैट मिला है हमें 2100 लाख लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ परसेंटेज इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 900 इनटू कितना परसेंट दिया हुआ है, तो 15% हमारा WACC परसेंटेज है, 15%। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप हो गई, 2100 माइनस 900 का 15%, दैट इज 135। तो आंसर जो मिलेगा वो आंसर होगा हमारे लिए इज इक्वल टू 1965 लाख। ये आ गया हमारा ईवीए। एवरीवन गॉट इट? ईवीए मिलने के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, पॉइंट नंबर 3, दैट इज एमवीए। अब एमवीए कैलकुलेट करना इजी, आसान तरीका है। एमवीए के लिए फॉर्मूला क्या है, एमवीए का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो यहां पर एमवीए का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म
माइनस नेट वर्थ ऑफ द फर्म। अब मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म हम लोगों ने कहीं पर फाइंड आउट की है क्या? तो हाँ, हम लोगों ने मार्केट वैल्यू फाइंड आउट की है। तो मार्केट वैल्यू फाइंड आउट की है कहाँ पर की है, कहाँ पर की है? सबसे पहला पॉइंट 12516 लाख, ये हमारे लिए मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म थी, राइट। अब नेटवर्थ क्या होती है? तो नेटवर्थ होती है हमारी ओन फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, पार्टनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन दोनों की टोटल हमारे लिए बन जाएगी नेटवर्थ, दैट इज 400 प्लस 300, 700 ही हमारे लिए नेटवर्थ है। और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी थी 12516। तो इन्हीं फिगर्स को हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे। 12516 माइनस नेटवर्थ के लिए कैलकुलेशन में ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दैट इज 400 प्लस 300। तो इसमें से मार्केट वैल्यू की इस वैल्यूज में से लेस करके जो अमाउंट मिलेगी वो अमाउंट होगी 11816, 11816 लाख। ये हमारे लिए क्या होगी? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। तो गिवन क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके बेसिस पे हम लोगों ने नोपैट कैलकुलेट करने के लिए पीबीआईटी कंसीडर किया। पीबीआईटी लेस टैक्स परसेंटेज। ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने पैट कंसीडर किया, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं थे इसलिए सेम फिगर हम लोगों ने वहां पे कंसीडर की। नेक्स्ट पॉइंट था जो कि हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए पीई रेशियो को हम लोगों ने यूज किया, और साथ ही साथ हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और बैंक लोन, इन तीनों को यहाँ पे कंसिडर किया था। तो सर यहाँ पर असेट साइड में जो वैल्यूज दी थी इनका तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में से चाहिए उसी पे हम लोग फोकस्ड करेंगे। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन के पास हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पॉइंट्स। पहला, वैल्यू ऑफ द फर्म। सेकंड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जिसमें हम लोगों ने नोपैट कैलकुलेशन और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन भी देखा। और तीसरा है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, ये सॉरी मार्केट वैल्यू एडेड। अब मार्केट वैल्यू एडेड मतलब क्या? मार्केट वैल्यू एडेड मतलब जो एक्सेस नेट वर्थ से ज्यादा जो कोई भी वैल्यू हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू मिलती है उसे हम लोग कहते हैं मार्केट वैल्यू एडेड। ये क्यों कैलकुलेट होता है? तो जब कभी भी बिजनेस का वैल्यूएशन होता है तो उन वैल्यूएशन को कंसीडर करते वक्त ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। जिस तरह से ईवीए कैलकुलेट होता है सेम उसी तरह से। आई होप आज का ये सम क्लियर हो आपको।